खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नागरिकता कानून को समझाने के लिए बीजेपी अब घर घर पहुंच रही है। अभियान के तहत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में परिवारों से मुलाकात की और बुकलेट भेंट की। इधर लखनऊ में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोगों से मिल रहे हैं। बंगलुरु में भी सीएम येदियुरप्पा लोगों को कानून के बारे में समझा रहे हैं। ये तीन अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में, राजनाथ सिंह लखनऊ में और बेंगलुरु में बीएस येदियुरप्पा। बीजेपी भी अब घर घर जा रही है नागरिकता कानून को लेकर लोगों को समझाने के लिए। जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और तमाम 42 बड़े नेताओं को इस जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लेना है, लोगों से जाकर मिलना है, उनको नागरिकता कानून के बारे में जो भी उनके मन में संशय है, जो भी शक है, उसको दूर करना है। पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि जो पत्र भी आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, कभी इनकी सरकार आएगी तो इनको पेंशन दे देंगे। आप मानसिकता देख सकते हैं, वे पेंशन देंगे, जैसे कि पेंशन का जो पैसा है इनके बाप दादों ने कमा करके रखा हुआ है और ये लोग हैरान की तरह उसको बांटेंगे। और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया है कि उपद्रवियों के द्वारा आगजनी से हुई क्षति को इन्हीं उपद्रवियों से हम भरपाई करेंगे। कानून नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। कितनी गलतफहमी पैदा की गई। प्रदेश में एक जिम्मेदार पद पर रहने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं एनपीआर का फॉर्म नहीं भरूंगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, कहता नहीं भरूंगा। भारत का संविधान की शपथ खाकर के उन्होंने संवैधानिक पद की शपथ ली होगी। देश की संसद में एक सांसद के रूप में भी उन्होंने भारत के संविधान की शपथ ली, लेकिन बाहर आकर के तुष्टिकरण किस हद तक, देश की कीमत पर राजनीति, भारत की सुरक्षा की कीमत पर राजनीति। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, गृहमंत्री अमित शाह जी के द्वारा भारत की परंपरा के अनुरूप कि शरण में आइए वे की रक्षा करेंगे और रक्षा के क्रम में उसको नागरिकता देने का कार्य हो रहा है तो इनको बुरा लग रहा है। इसमें नागरिकता का ही लेने की तो बात है ही नहीं, ये तो देने की बात है। और उस देने की बात को लेकर के भी ये लोग इतने लाल पीले हो रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, लगातार चेतावनी दे रहे हैं, पैसा देकर के उपद्रवियों को उकसा रहे हैं, ये चीजें नहीं चल सकती। और इसी बात को लेकर के आज हम सब आपके बीच में आए हैं कि ये जो काम हुआ है, ये कार्य पहले भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहे हैं। और ये मांग तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2003 में संसद में तब भी की थी जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय के गृहमंत्री और उप प्रधानमंत्री से लाल कृष्ण आडवाणी जी के सामने संसद में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का वक्तव्य है, जब उन्होंने इस बात को कहा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है, सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए।